हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज इस वीडियो में हम 31 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 31st क्वेश्चन क्या करा है, एन अलॉय कंटेन कॉपर एंड टिन इन द रेशियो इतना, इफ 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड टू दिस अलॉय देन द कॉपर इन इट बिकम्स डबल द क्वान्टिटी ऑफ टिन। दैट मीन्स अगर हमारे पास 3:2 के रेशियो में पहले कॉपर एंड टिन था, उसमें 250 ग्राम हमने कॉपर और ऐड कर दिया, ठीक। तो जो कॉपर, ये हमारा कॉपर है और ये हमारा टिन है, ठीक। ये हमारा कॉपर और ये हमारा टिन है, टिन 3:2 के था और 250 ग्राम कॉपर ही ऐड किया गया है, ठीक। तो क्वांटिटी ऑफ टिन के डबल हो जाता है कॉपर। तो यहाँ पे अगर टिन हमारा 1 होगा तो कॉपर कितना होगा, 2 इस रेशियो में होगा, ठीक है ना। इसका समझिए मतलब कि जैसे हमारे पास अगर अभी x केजी टिन होता तो 2x केजी हमारा कॉपर हो जाता, तो इनका रेशियो कितना होता है, 2:1। आप कुछ भी ले लीजिए x वैल्यू, हमेशा तो ऐसे ही होगा ना, 2x हो जाएगा वो कॉपर, तो 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये जो लाइन है ना, कॉपर बिकम्स डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन, ये इसका मतलब ये 2:1 है, ठीक। अब इसके बाद तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो हमारा बेसिक सा हो गया है क्वेश्चन, इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा टिन में तो कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो टिन हमारी सेम होनी चाहिए, टिन की वैल्यू तो सेम कर देते हैं, 3:2 कर देंगे तो हमारा सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:2, ये कैंसिल कर दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं लेना है। अब हमारा नया रेशियो जो हो गया ये हो गया, इसी सारा काम करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे 4, डिफरेंस कितना है 2:1 का, वही 2:1 हमारा 250 के बराबर होगा, क्योंकि ये डिफरेंस कब आया, जब 250 ग्राम ऐड किया गया कॉपर में, तो ये 250 के बराबर हो गया। अब पूछ क्या रहा है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ टिन इन द अलॉय, और अलॉय ये है फाइनल अलॉय, ये इसमें टिन कितना है, 4:2 रेशियो है, तो टिन हमारा 2:2 है, तो डेट मीन 2:2 टिन है, तो यही हमें पूछ रहा है। और 2:1 की वैल्यू हम 250 जानते हैं, तो 2:2 की वैल्यू 500 हो जाएगा, 2 कर देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 4th वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, समझ में आया ना। फिर कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है, बस यही एक बार ध्यान में रखें कि इस लाइन का मतलब 2:1 रेशियो होता है, बस, और इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर अलॉय विच आर प्रिपेयर बाई मिक्सिंग जिंक एंड एलमोनियम इन द रेशियो दिस एंड दिस, इफ इक्वल क्वान्टिटीज ऑफ अलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय जेड, वॉट इज द रेशियो ऑफ द जिंक एंड एलमोनियम इन द अलॉय। तो मतलब ये भी वही क्वेश्चन है कि वही नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, दैट इज 4:1 के रेशियो में है एक वेसल में और दूसरे में अलॉय, दूसरा अलॉय 11:8 के, ये दोनों जो हैं ये दोनों पूरा पूरा ले लिया जाता है। अगर ये एक्स के जी और ये वाई के जी, तो टोटल जो अलॉय बनेगा थर्ड में जेड में, उसमें एक्स प्लस वाई के जी होगा, ठीक, ये कहने का मतलब है। तो ये हम जानते हैं कि जब पूरा पूरा लिया जाता है, उसके लिए एक ट्रिक है, हम क्या करते थे, कुछ नहीं, जो ये रेशियो दिया है इनका सम निकाल देते हैं, सम 5, इसका भी सम 19, अभी ये जो सम आया है ये और ये, इनका एलसीएम ले लेते थे, तो इनके एलसीएम कितना हो जाएगा, 95। अब क्या करते थे, अब ये जो आया एलसीएम, इसी को इससे डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 95 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा, तो उसी 19 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रेशियो में, ठीक। इसी तरह इधर भी करेंगे, तो इधर 95 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है, जैसे क्या आ रहा है, जिंक और एलुमिनियम का ये रेशियो है, तो जिंक जो आएगा उसको अलग लिख लीजिए और एलुमिनियम जो आएगा उसको नीचे लिख लीजिए, वही हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा जो पूछा गया। तो जिंक क्या है, जिंक पहला वाला कॉन्टेंट है ना, यहाँ पर देखिए जिंक एंड एलुमिनियम का ये रेशियो है, तो जिंक ये होगा, एलुमिनियम ये होगा, इसी तरह जिंक यहाँ पर ये होगा, एलुमिनियम ये होगा, हम लिख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 19 जिंक पहले वाले रेशियो में, ये उस वाले रेशियो में 19 जिंक हो जाएगा, और 4 into 19 into 4 हमारा एलुमिनियम हो जाएगा, और यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ 5 into 11 जिंक हो जाएगा, 11:55 डायरेक्ट, और ये कितना हो जाएगा एलुमिनियम 8 into 5 दैट मीन्स 40, तो ये हो गया 40। अब इसे कर लीजिए कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे तो 20 मतलब 74 एक कम, हाँ 74 अपॉन इसको करेंगे तो 19:76 और 40 मतलब 116 हो गया, ये हमारा रेशियो होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, कटेगा 37 और
37:58 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो पूछा गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ मिक्सचर कंटेन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन द रेशियो 5:4। अब इफ 2 लीटर ऑफ द लिक्विड इज एडेड टू इट द रेशियो, मतलब ये अभी जो पहला क्वेश्चन हमने किया था ना 31st, सेम वही टाइप का। क्या करना है कि ए और बी का रेशियो 4:5 के है। अब उसमें क्या कह रहा है कि 2 लीटर हमारा बी ऐड कर दिया जाता है, तो नया रेशियो 7:6 का बन जाता है। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए का जो मिक्सचर बना है ये, इसमें एक का ए की वैल्यू कितनी है, ए का क्वांटिटी कितना है लीटर में पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें तो ये क्वेश्चन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बी ऐड किया गया है ना, बी ऐड किया गया, ए में कुछ किया नहीं किया, मतलब ये सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो हम सेम कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 35:28। हमने क्या किया, बस ये इस वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये दोनों प्राइम है। और इसको सेम करने के फ्रेंड हमने बहुत मेथड देखे हुए, 2-3 मेथड हैं इनके। मैंने आपको तीनों बताया हुआ रेशियो इन प्रोपोर्शन से रिलेटेड ज्योमेट्रिक बता रहा था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं दिखे ना तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए, वहाँ अगर वो वीडियो दिखे रहेंगे तो आपको चुटकियों में ये कर लेंगे जैसे मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। आपको थोड़ा सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये भी 35 हो जाएगा और :30। ठीक, तो ये हमारा नया रेशियो हो गया। हमें इसमें काम करना है, अब इस रेशियो को भूल जाना है, और लेकिन ये जो है ये याद रखना है कि यहाँ +2 हुआ था। ठीक, अब क्या देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो सेम हो गई, ये क्या था लिक्विड ए था। ठीक, ए था ये, तो ए सेम हो गया, बी में ही चेंजेस किया गया था, जो क्वेश्चन में कह भी रहा है कि ए में कोई चेंजेस नहीं किया, तो ए में हमारा सेम हो गया। अब हम अप्लाई कर सकते, तो यहाँ पे देखिए बी का डिफरेंस कितना आया 2 का, क्योंकि रेशियो में तो एक वेरिएबल के साथ आएंगे, ओरिजिनल वैल्यू में भी हमारा 2 बताया गया कि 2 लीटर ऐड किया गया, तो मतलब इसकी 2 की वैल्यू 2 लीटर के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लीटर हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन द मिक्सचर, तो ए कितना है मिक्सचर में, :35 है ए, और :1 की वैल्यू हमें यहाँ देखिए 1 है, तो :35 कितना हो जाएगा, 35 लीटर हो जाएगा। तो बस यही हमें पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर, दैट मीन्स 35 :2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इन अ बकेट पेंट एंड ऑयल आर इन द रेशियो इतना, इफ 24 लीटर आर मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड 24 लीटर ऑफ ऑयल इज एडेड, देन द रेशियो ऑफ पेंट इज बिकम इतना। तो फ्रेंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के, सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। क्या करना रहता है, कुछ नहीं, जब ऐसे रहे कि कुछ रेशियो में हमें कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं कि ये इस रेशियो में है किसी मिक्सचर में, हाँ उसमें से बता दें कि मिक्सचर जो है 24, जैसे यहाँ पर उतना मिक्सचर निकाला गया और उतना ही कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐड की देगी। जैसे यहाँ पे 24 लीटर मिक्सचर निकाला गया और 24 लीटर हमारा ऑयल ऐड किया, और ये रेशियो किसका था, पेंट एंड ऑयल का, तो एक चीज़ ऐड किया गया है, मिक्सचर निकाल के उतना ही कोई एक चीज़ या पेंट या ऑयल ऐड किया गया है, और तो उससे कुछ रेशियो बन जाए, जैसे यहाँ पर हमारा 1:1 का रेशियो बन जा रहा है। और पूछे हमारा कुछ भी पूछ ले, उससे हमें कोई मतलब, अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, इसके लिए हम सिंपल सा जो हमारा ये फर्स्ट रेशियो इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर मतलब :1, इसके लिए :1 क्या होगा, वही हमें यार निकलेगा, क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या है और कैसे करते हैं, कुछ नहीं, जो ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया रहेगा, दोनों तो हमेशा सेम रहेगी, बस एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव, इसको लिख लेना है। तो सबसे पहले 24 हमें लिखे इनटू में ये जो फर्स्ट नंबर है जो ए है, जिस जो ऐड नहीं किया, जैसे यहाँ देखिए ऑयल ऐड किया गया है ना, यहाँ पे ऑयल ऐड किया गया है, तो ऑयल वाला छोड़ के जो दूसरा कंपोनेंट होगा पेंट, इसका वैल्यू ले लेना है रेशियो में, और रेशियो में है वेरिएबल के साथ नहीं लेना है, डायरेक्ट वैल्यू लेना है अकेले बस। ठीक, ये मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा, लेकिन एक बार आए यहाँ पे तो देखिए। ठीक, वहाँ मैंने और डिटेल में बताया हुआ है, और कई टाइप के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे तो अच्छे से दिमाग में आएगा, यहाँ एक क्वेश्चन करने पर थोड़ा नहीं समझ में आता। ठीक, तो यहाँ पे 7 हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको जो दूसरा है ये इसको ऐड कर दीजिए, 1 + 1 कितना होगा, 2 × 2 कर दीजिए, उसके बाद अपॉन ये इतना हो गया। अब करिए अपॉन में क्या करना है, इसका सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना फ्रेंड, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा, अभी मैं आपको बेसिक मेथड भी बताऊंगा जिससे आप अगर ये नहीं समझ में आया तो आप उससे भी कर लीजिए। ठीक, अपॉन में इनका सम ये हो गया। अब AD - BC मतलब this × this क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, इन तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 और इनका मल्टीप्लाई 5, 7 में से 5 जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स अब सिंप्लीफाई कर लीजिए,
24, दैट मीन्स इस टू वन की वैल्यू इस रेशियो के लिए है, ये इस टू वन फैक्टर है, वन की वैल्यू कितनी हो जा रही है, यहाँ पे देखिए हमारी 7 2 और ये 7 14, ठीक इतना हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, मोस्टली फ्रेंड इनिशियली पूछेगा कि इनिशियली कितना था, टोटल मिक्सचर कितना था, या इनिशियली ये कितना था वो कितना, तो यही ज़्यादातर पूछता है। इसीलिए हमें पहले रेशियो का फैक्टर मिल जाएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि इनिशियली पेंट कितना था, पेंट क्या है इस टू सेवन होगा, पेंट की वैल्यू इस टू सेवन होगी क्योंकि रेशियो में सेवन वाला कंपोनेंट पेंट का है, तो इस टू वन की वैल्यू तो हमारी 14 है, तो इस टू सेवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। और ये भी ध्यान लीजिए कि ये फैक्टर किसका है, यही रेशियो का, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। अगर इस रेशियो में पूछता ना तो हम 14 से नहीं मल्टीप्लाई करते क्योंकि वो फैक्टर हमारा इसका था, ठीक। तो ये 84 हमारा आंसर होगा, दैट इज थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आपको ये मेथड नहीं समझ में आया, चलिए हम बेसिक तरीका देख लेते, एकदम सिंपल सा, जिसमें हमें आराम से बस ये थोड़ा लेंदी हो जाता है वो वाला, और ये सिंपल है। अगर एक बार आपको ये फॉर्मूला याद हो गया या एक तरीका याद हो गया तो बहुत आसान से। अब इसमें देखिए बेसिक तरीका क्या है कि इस रेशियो में है तो हम लिख लेते हैं इस रेशियो में हमारा है, ठीक। तो 24 लीटर पेंट निकाला गया और 24 लीटर ऑयल ऐड किया गया। तो एक काम करिए, हम यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ से हम एक वेरिएबल के साथ ले सकते हैं ना कि ये 7x पेंट होगा और 5x हमारा ऑयल होगा, क्योंकि हमें रेशियो 7:5 दिया हुआ है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब क्या बोला गया कि 24 लीटर हमारा मिक्सचर निकाला गया, तो अगर तो टोटल मिक्सचर ये इतना पेंट इतना वाटर होगा तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x, इन दोनों का सम टोटल मिक्सचर इतना। अब टोटल मिक्सचर में 24 लीटर निकाला गया है हमारा, क्या कहते हैं मिक्सचर निकाला गया 24 लीटर, यहाँ पे देखिए 24 लीटर मिक्सचर निकाला गया। तो मिक्सचर निकालने का मतलब है कि कुछ पेंट निकाला गया होगा, कुछ ऑयल निकाला गया, तो कितना निकाला गया वही हम निकाल लेते हैं। तो डैट मीन्स अगर 12x इज इक्वल टू 24 कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओह बोलिए क्या हो गया, हाँ चलिए ये ठीक थोड़ा वो हो गया, हाँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो रेशियो इसमें था, तो दैट मीन्स 14 लीटर हमारा पेंट निकाला गया है और 10 लीटर हमारा क्या कहते हैं ऑयल निकाला गया है, ठीक ये ऑयल था ना, हाँ तो इतना निकाला गया है अगर 24 लीटर हमारा मिक्सचर निकाला गया है तो, ठीक। और 24 लीटर अब क्या बोल रहा है कि 24 लीटर ऑयल ऐड कर दिया गया, मतलब ऑयल में हमारा 24 लीटर ऐड कर दिया गया है, ये अलग रखिए, ठीक ठीक 24 लीटर ऐड कर दिया गया, मतलब ये देखिए यहाँ पे ये माइनस कर दिया क्योंकि निकाला गया है और ये प्लस क्योंकि ऐड किया गया है, ठीक। अब ये टोटल कितना चेंज हुआ, यहाँ पे हमारा प्लस 14 का चेंज हो रहा है, मतलब 14 लीटर ऐड किया गया है दोनों प्रोसेस को करने के बाद, ठीक। तो ये हो गया, अब हमारा 14 लीटर इसमें सब्ट्रैक्ट 14 लीटर ऐड तो कर लीजिए, और ना फाइनल रेशियो में दिया हुआ है तो इसमें से अगर 14 लीटर ये इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7x माइनस 14, फाइनली इतना लीटर बचा गया ना पेंट का, और इसका कितना बचेगा 5x प्लस 14 बचेगा क्योंकि 10 लीटर निकाला गया है और 24 लीटर ऐड किया गया है, ठीक। तो ये हो गया, अब ये बता रहा है कि रेशियो इनका इक्वल है, तो बस अब ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट मीन 7x माइनस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5x प्लस 14, ठीक। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 28 हो जाएगा, ये इधर आएगा 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14 आ गया ना। अब x क्या था, यही इसका फैक्टर था, तो दैट मीन्स पेंट पूछ रहा है तो पेंट कितना है 7x, तो 7 × 14 = 84, तो यही हमारा आंसर होगा ना, फिर वही चीज़ हमने बेसिक जब ट्रिक से किया था तब भी कर लिया था, समझ आया ना फिर। तो यही हमारा तरीका है, अगर कोई डाउट होगा तो एक बार रिवाइज करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो जो डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज टू बी इज टू सी इस रेशियो में और सी इज टू डी इस रेशियो में, तो ए डी क्या होगा। तो फ्रेंड इसको करने के दो मेथड है, तो पहला मेथड क्या है कि ए इज टू बी इज टू सी दिया हुआ है ना 2:3:5, और क्या दिया हुआ है सी इज टू डी दिया हुआ 2:5। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा सी और ये भी सी है, तो इसको अगर सेम कर दें तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी हम निकाल लेंगे, तो वहाँ से हम ए इज टू डी भी निकाल सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है सेम करने वाला, तो सेम कर देते हैं। तो सेम करने का तरीका मैंने आपको बताया, ये फ्रेंड मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक। गलती से मिक्सचर वाले कॉलम में आ गया है,
तो ठीक है, तो इसको मैंने रेशियो प्रोपोर्शन जब करा रहा था तो वहाँ पर मैंने इसको और आसानी से बताया था, कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 5 है और ये 2 है, तो ये इन दोनों का HCF ले लीजिए, ये प्राइम है तो डायरेक्ट इनसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर, पूरे रेशियो मल्टीप्लाई करने कर रहा हूँ, इंडिविजुअली मत कर दीजिए नहीं गलत हो जाएगा, पूरे रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे 4:6:10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10:25। तो ये हमारा देखिए अब सेम हो गया यहाँ यहाँ, तो हम कर सकते हैं, तो a:b:c:d का रेशियो क्या बनेगा 4:6:10:25। ठीक, ये हमारा a:b:c:d का रेशियो बनेगा। अब चाहिए क्या a:d, और ये देखिए चाहिए हमें रेशियो में भी, और यहाँ रेशियो में ही दिया, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज ले सकते हैं, दैट मीन्स a की वैल्यू 4 ले सकते हैं और d की वैल्यू 25, हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a:d 4:25 हमारा रेशियो हो जाएगा, आ गया ना आंसर। तो यही हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, एक तरीका तो ये हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट मेथड भी देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे a:b:c:d इक्वल टू इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a:b इज इक्वल टू 2/3 है, b:c इज इक्वल टू 3/5। हम ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, a:b:c को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये जो कॉमन बीच वाला टर्म है उसको रिपीट कर देंगे, वो तो सेम ही होगा 3:3, ऐसे कर लिए, इतना तो आपको आता ही होगा आसानी से, क्योंकि हमने रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे करना बहुत बार देख लिया है। ठीक, तो आप मेरे साथ होंगे तो आपको बेसिक से बेसिक मैं बताते चलता हूँ, इसीलिए कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसके लिए आपको फिर फ्रेंड पुरानी वीडियोस देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बार बार बताऊंगा ना तो बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए a:, और एक बात और, ये c:d भी दिया हुआ है, c:d भी लिख लेते हैं, c:d 2/5। अब देखिए a:b b:c c:d सब में b यहाँ पे ये ऐसे वाला है ना, ये वाला भी एग्जांपल हमने देखा था ऐसे, तो हमें क्या चाहिए a:d मतलब फर्स्ट और लास्ट चाहिए, कुछ नहीं जितने रेशियो इन सब का प्रोडक्ट कर दो, तो वही हमारा फर्स्ट टू लास्ट हो जाएगा, दैट मीन्स a:d हो जाएगा हमारा 2:3, इसको इंटू ये वाला भी प्रोडक्ट कर दो 3/5, इंटू ये वाला भी प्रोडक्ट 2/5, तो ये प्रोडक्ट कर देंगे, कटेगा कुछ, हाँ ये कट गया, दैट मीन्स ये 2:2 4/5 × 5 25, तो यही हमारा आंसर होगा जो हमारा पहले भी आया था। तो ये दोनों मेथड बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, राहुल हैड 2 लीटर ऑफ एल्कोहल इन 6 लीटर ऑफ वाटर एंड दिनेश हैड 1 लीटर ऑफ एल्कोहल इन 9 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द 2 मिक्सचर। इसका कहने का मतलब है कि 2 लीटर एल्कोहल में 6 लीटर पानी ऐड किया गया है, तो दैट मीन्स 2 लीटर अगर एल्कोहल है तो 6 लीटर हमारा पानी है इस रेशियो में है, राहुल का जो मिक्सचर है इस रेशियो में है। अब इसी तरह क्योंकि हम फ्रेंड मिक्सचर कर रहे हैं तो रेशियो से रिलेटेड चल रहे हैं, तो हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है, तो यहाँ हमने रेशियो के फॉर्म में इसको कर दिया, तो अभी ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको हम काट के ऐसे लिख सकते हैं ना 1:3, तो ये हमारा राहुल वाला रेशियो हो गया। ठीक, और दिनेश का क्या कह रहा है, दिनेश एड 1 लीटर ऑफ एल्कोहल इन, थोड़ा ये तो गड़बड़ हो गया, इन 9 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर एल्कोहल इन 9 लीटर, अब ये जो सिंप्लीफाइड है तो ये हमारा दिनेश का हो गया। आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द 2 मिक्सचर, दोनों मिक्सचर में रेशियो परसेंटेज, इसमें परसेंटेज निकालना है, ये पहला वाला तो हमारा एल्कोहल और दूसरा वाला वाटर है, तो परसेंटेज कितना होगा इसके रेशियो में, परसेंटेज होता है जो है दिस अपॉन टोटल, मतलब एल्कोहल की वैल्यू कितनी है इसमें 1:1 है ना, तो वेरिएबल के साथ क्योंकि रेशियो में लेना है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज लेंगे, ये सब हमने जब रेशियो पढ़ रहे थे तो बहुत बार डिस्कस किया था कि जब रेशियो में लेना है तो हम डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल अगर लेंगे तो यहाँ भी वेरिएबल आएगा नीचे भी वेरिएबल आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम वेरिएबल नहीं लेके चलते डायरेक्ट वैल्यूज ले लेते हैं, यही हमारी ट्रिक बन जाती है। तो यहाँ पे इतना अल्कोहल हो गया अपॉन टोटल, परसेंटेज मतलब क्या होता है उसकी वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू जिसका हमें परसेंटेज निकालना है उसकी वैल्यू निकालते हैं अपॉन में टोटल कर देते हैं, जिस अगर मिक्स करके दिया हो और इनटू 100 कर देते हैं, वही हमारा परसेंटेज होता है ना जिसका हमें परसेंटेज, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे अल्कोहल की वैल्यू कितनी 1 है और टोटल कितना है 3+1 4, तो 4 अब इनटू 100, तो ये हमारा राहुल में कितना परसेंट अल्कोहल ये हो गया। अब इस 2 क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ द परसेंटेज ना, तो इस 2 अब इसमें कितना अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर मान लीजिए 1 है, हाँ 1 अल्कोहल और टोटल कितना है 9+1 10,
अपॉन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है इंटू 100। अब देखिए 100 से 100 कर गया, 10 है तो यहाँ 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2, दैट मीन्स 5:2 हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 1:2:1:5 आया, तो इसको मैंने 2:5 कैसे कर दिया, बस क्रॉस में कर दीजिए, बस ये हो जाएगा। और ये सब तो हमने बहुत बार देख लिया है रेशियो प्रोपोर्शन से। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो जो वीडियो में बता रहा हूँ आप उस वीडियो पर जाकर देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये सारी बातें बहुत बार डिस्कस कर लिया है पीछे भी। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर ऑफ 165 लीटर द रेशियो ऑफ लिक्विड एक्स एंड वाई इज इतना, इफ 5 लीटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन व्हाट इज, मतलब ये तो सिंपल वही क्वेश्चन है, 165 लीटर मिक्सचर में 6:5 के रेशियो में, ये क्या हो गया, 6:5 के रेशियो में हमारा एक्स एंड वाई है, तो दैट मीन्स इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स एंड वाई ये 6:5 के रेशियो में। अब 5 लीटर वाई ऐड किया गया है, 5 लीटर तो इन द मिक्सचर, तो वो रेशियो नया रेशियो क्या हो जाता है, कुछ नहीं, 6:5 के रेशियो में था हमारा एक्स टू वाई और टोटल हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका टोटल क्या हो जाएगा, 11 रेशियो में, तो एक वेरिएबल के साथ दिया इज इक्वल टू 165 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स। ठीक, ये तो ट्रिक है फ्रेंड कि 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करना, जैसे अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट उसको लिखो, फिर यूनिट प्लस टेंथ डिजिट कर दो, और ये यूनिट टेंथ डिजिट ऐसा लिख दो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हमें पता है, तो वहीं से हम डिवीजन कर लेंगे। ये साफ साफ दर्शा रहा था, मुझे ट्रिक पता है, जैसे मुझे लग रहा था, अरे ये तो डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई किया गया, तो जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा ना। तो ये सब फ्रेंड बेसिक तरीके होते हैं, आप ये मत सोचिए कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब बहुत बड़े हो गए हम, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक कहाँ जल्दी यूज हो, तो सब यूजफुल होता है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, इसीलिए अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लीजिए, एक से बढ़कर एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मिल जाएगी आपको। ठीक, तो यहाँ इस टू वन की वैल्यू हमारा 15 आ गया। अब चाहिए क्या हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें, रेशियो चाहिए, तो रेशियो में ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस टू वन की वैल्यू 15, तो एक्स क्या है, इस टू सिक्स होगा, तो 15 × 90, एक्स की वैल्यू 90 हो जाएगी, इसी तरह वाई की वैल्यू 75 हो जाएगी। तो 165 लीटर में 90 लीटर एक्स है और 75 लीटर वाई है। अब क्या बोल रहा है कि 5 लीटर वाई ऐड किया गया, एक्स में कोई चेंजेस नहीं, तो एक्स 90 रह जाएगा और 5 लीटर वाई ऐड किया गया तो कितना हो जाएगा, 75 + 5 = 80। ये नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें इतना एक्स है इतना वाई है। अब यही पूछ रहा है कि रेशियो कितना होगा, तो इसका रेशियो कर दीजिए, यहाँ करेंगे ये कट गया, तो दैट मीन्स 9:8 हमारा रेशियो होगा, तो दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में ना क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से चलिए, जो कह रहा है वही करते चलिए, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स बीकर ऑफ 100 ml कंटेन 1:4 एसिड वाटर सोल्यूशन अनमिक्स्ड विथ 5 बीकर्स ऑफ 200 ml कंटेन दिस एसिड वाटर सोल्यूशन देन द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज इतना, फाइंड एक्स वाई। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्स बीकर है और एक बीकर, एक्स बीकर है 100 ml के, एक्स बीकर है, ठीक, और एक बीकर में 1:4 के रेशियो में एसिड और वाटर है। अगर ये हमारा एसिड है और ये हमारा वाटर है, ठीक, इस रेशियो में है एसिड और वाटर, और हाँ एक्स एम एल एक्स बीकर मिक्स किया गया है किसके साथ, वाई बीकर के साथ, जो जिसमें 200 ml आता है, वाई जो बीकर है, जैसे ये एक्स बीकर है और ये वाई बीकर है, तो एक्स की कैपेसिटी 100 ml है, वो पूरे फिल हैं 1:4 के रेशियो में एसिड बेस से, एसिड और वाटर से, और वाई जो है वो हमारी इसकी कैपेसिटी 200 ml है और ये जो है 3:17 के रेशियो से, एसिड और वाटर के रेशियो से फिल है पूरा, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 3:17। अब पूछ क्या रहा है, ये फिल कर दिया गया, तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो बन रहा है, जब एक्स बीकर और वाई बीकर, एक्स नंबर ऑफ बीकर और वाई नंबर ऑफ बीकर को मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है, तो हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इस रेशियो में है तो 100 ml में ये कितना एसिड होगा कितना वाटर होगा ये तो हम निकाल सकते हैं, कितना निकाल लेते हैं कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा इसका सम कितना होगा 5, तो यही 5 हमारा इक्वल हो जाएगा 100 के 5, तो 1 की वैल्यू 20,
तो डेट मीन्स इनटू मल्टीप्लाई करते 20 लीटर एसिड होगा एंड 80 लीटर हमारा वाटर होगा 100 ml में। दैट मीन्स एक्स वाला जितने एक्स बीकर ये एक बीकर है, जो ये जो 100 ml वाले बीकर है उसमें एक बीकर में 80 लीटर वाटर है और 80 ml क्योंकि ये ml में दिया हूँ ना, तो 80 ml वाटर है और 20 ml एसिड है, तो एक्स बीकर में कितने हो जाएंगे, इसी में एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स ये इधर लिख देते हैं, ये 20x और ये 80x एसिड और वाटर हो जाएंगे x बीकर में। इसी तरह हम इसका y बीकर के लिए भी निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना इनका सम कितना होगा 20 हो जाएगा, इस टू 20 इज इक्वल टू ये दिया हुआ 200 ml, 220 मतलब इस टू 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, दैट मीन्स 30 और 170। तो एक 200 ml वाले बीकर की 200 ml का जो बीकर है वो एक बीकर में 30 लीटर के कहते हैं एसिड है और 170 लीटर वाटर है, तो वाई इतने ही जो यही इतने वाई बीकर में कितना होगा, मतलब एक बीकर में इतना है तो इतने ही वाई बीकर कितने हो जाएंगे, इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा ना, ये तो आपको समझ में आ ही रहा हो यूनिटरी मेथड का है, ठीक। तो ये इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, इसी को ऐड कर लीजिए, नहीं ऐड नहीं करिए, एसिड एसिड ऐड कर लीजिए, वाटर वाटर ऐड कर लीजिए, क्यों, क्योंकि हमें दिया क्या है एसिड और वाटर का रेशियो दिया रिजल्टेंट में, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स 2x प्लस 3y अपॉन में यहाँ पे भी 10 कॉमन ले लेंगे तो 8x प्लस 17y इतना। ये देखिए फिर ये जो हमारा है ये एसिड है और ये वाटर है, एक्स वाई से आप मजे एक्स वाई तो वो नंबर ऑफ बीकर्स हैं, ठीक। तो ये इतना हमारा एसिड और वाटर का रेशियो हो गया फाइनल मिक्सचर में, और यही हमें गिवन हुआ है कि 19:91 है, तो ये हमारा 19:91 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 10 तो 10 कट ही जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 182 हो जाएगा, और एक्स ये 182x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 27 270y इज इक्वल टू, अब इधर 19 से करेंगे तो 972 और 8 × 8 = 15 152x इज और प्लस और 17 × 19 करना है, कर देते हैं कितना हो जाएगा 17 × 153 एंड 15 × 17 = 17 × 5 = 22 तो ये 23y। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये इधर जाएगा कितना 30x बचेगा और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 0 and 5 50y बचेगा, तो ये कट गया, तो x = y हमें पूछा गया है, पूछा क्या गया है ये देखिए x = y पूछा गया ना, तो x = y इज इक्वल क्या हो जाएगा 5:3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5:3, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक। और ये देखिए पूरा सॉल्यूशन है, समझ में आया क्या कैसे किया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन द अलॉय दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली ए बी टेकन इन द रेशियो दिस देन मेल्ट एंड डोंट दिस। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत बार करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इसमें इसका रेशियो कितना 2:3 के रेशियो में लिया गया है, तो इनका सम कितना है 5, तो हम मान लेते हैं कि 5 लीटर या 5 kg क्योंकि ये रेशियो इन कॉपर है ना, कॉपर एंड जिंक है तो kg में 5 kg लिया गया है फाइनल मिक्सचर में, तो हमारा मतलब 2 kg और 3 kg, 2 kg ए लिया गया और 3 kg बी लिया गया, और ए बी का रेशियो ये है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉपर कितना होगा जिंक कितना होगा, कॉपर कितना हो जाएगा 3/5 4/7 होगा क्योंकि 4+3 = 7, तो 3/7 × 2 प्लस 5/14 × 3 इतना क्या कहते हैं वो लिया गया होगा, और इसी तरह नीचे भी कर लेते हैं, तो दैट मीन्स 4/7 ये 4 है × 2 और प्लस 9/14 × 3, ये हमारे क्वेश्चन बन गए, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो वही फाइनल रेशियो होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं ये 6 हो जाएगा, ये 14 है तो × 2 हो जाएगा, तो मतलब 12, ये तो फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक 12 हो गया और यहाँ 15 ही रहेगा, तो दैट मीन्स प्लस 15/अपॉन में ये तो जो एलसीएम आएगा वो तो नीचे भी आएगा तो कट जाएगा कुछ नहीं, और यहाँ 4 × 2 = 8 और इसका एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, तो यहाँ 7 ही है तो × 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 8 × 2 = 16, तो ये 16 और प्लस
ये कितना 9 × 27 27, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 अपॉन ये कितना 33 × 10 = 43, तो 43। तो यही हमारा रेशियो होगा, क्योंकि 43 तो प्राइम में तो कटेगा तो है ही नहीं, तो डेट मीन्स फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन अलॉय ए कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो दिस, एन अलॉय बी कंटेन कॉपर एंड दिस, ए बी आर टेकन इन द रेशियो दिस एंड मेल्टेड टू फॉर्म फ्रेम। अब यहाँ सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, ठीक, जो अभी हमने जस्ट ये वाला क्वेश्चन, बस यहाँ हमें डायरेक्ट रेशियो पूछ ले तो कॉपर और जिंक का, यहाँ हमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मान लीजिए एक्स इज टू वाई के रेशियो में हम निकाल लेंगे कि इतना फाइनल मिक्सचर में एक्स इज टू वाई के रेशियो में कॉपर एंड जिंक है, तो परसेंटेज ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, जिंक ये है तो वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ तो वैल्यूज़ में आएगा, इंटू 100, एक्स और वाई की कोई फिक्स वैल्यू होगी, कॉन्स्टेंट में होगा, तो यही हमारा परसेंटेज ऑफ जिंक हो जाएगा अलॉय में। तो यहाँ तक आप निकाल लीजिए, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वेसल कंटेन 32 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज इतना, इफ 12 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन आउट एंड 7 लीटर ऑफ इज एडेड देन द वाटर ऑफ देन वॉट इज द रेशियो। फ्रेंड ये तो हमने इसको बेसिक मेथड से करना पड़ेगा, मतलब 32 लीटर सोल्यूशन है और जिसमें रेशियो है हमारा 3:5:3 के फॉर्म में, तो मतलब एसिड कितना होगा, इसका सम कितना है 8, और यही 32 के बराबर हो जाएगा, 8 32, तो दैट मीन्स 21 की वैल्यू 4, तो एसिड हमारा 20 लीटर होगा और वाटर जो है हमारा 12 लीटर वाटर होगा। अब क्या बोल रहा है, 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिए गए, तो सॉल्यूशन इस रेशियो में है, तो अगर इसमें से 12 लीटर निकालोगे तो एसिड कितना निकलेगा, दैट मीन्स 5 अपॉन 8 × 12, इतना एसिड निकलेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 × 2 = 12, तो दैट मीन्स 15 अपॉन 2 लीटर एसिड निकाला जाएगा। वाटर कितना निकलेगा, जब हम 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो की बात हो रही है, अभी ऐड करने वाला बात नहीं हो रही है, तो जब 12 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे, इधर इसको लाइन खींच देते हैं, ये अलग पोर्शन जा रहा है ना, तो 3 लीटर ये है, तो 12 लीटर वाटर मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे तो वाटर कितना जाएगा, 3 अपॉन 8 × 12, ये तो बेसिक्स है। दिस लिखिए ये इसका और इनका सम, ऊपर ये अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ इंटू 12 होगा। ठीक, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 3 × 9, तो मतलब -9/2 लीटर निकाला जाएगा वाटर, जब टोटल 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला गया। अब 7.5 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, 7.5 कितना होगा, 15 अपॉन 2 होगा, यहाँ फ्रेंड 7 अपॉन 2 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये क्या गया 7.5 और 1/2, तो इसको अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे कितना हो जाएगा, 7 × 14 = 1 × 14 = 15 / 2, ये होगा। अगर ये लिख देंगे ना आप 1/2 7/2, तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है और क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बस यही ध्यान ट्विस्ट है, तो ये इतना ऐड कर दिया गया, तो नेट चेंज कितना किया गया है वाटर में। ठीक, एसिड में तो इतना ही किया गया कि माइनस कर दिया गया, 7.5 लीटर घटा दिया गया है, लेकिन वाटर में तो पहले 4.5 लीटर घटाया गया है, फिर 7.5 लीटर बढ़ा दिया गया है, तो मतलब टोटल 3.5 लीटर, 3 × 6 = 7.5, मतलब 3.5 लीटर कितना होगा, ये 7/2 लीटर ऐड किया गया है वाटर में। हमने क्या किया, बस ये दिस माइनस दिस कर दिया, तो ये बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 अपॉन 2 होगा, 9 अपॉन 6, हाँ 6 3 लीटर होगा ना, हाँ मैंने भी गलती कर दी, देखिए तो यहाँ पे आप ध्यान लीजिए 3 लीटर होगा, क्यों ये 4.5 है और 7.5 है, तो 7.5 − 4.5 करेंगे 3 लीटर होगा ना, तो 3 लीटर हमें ऐड किया गया है वाटर में और इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया, तो अब देखिए अब बचा हुआ एसिड, क्योंकि पूछा क्या क्या है, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन, तो अब बचा हुआ एसिड कितना है, पहले इतना था, इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो बचेगा कितना, तो दैट मीन्स 40 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 25, तो 25 अपॉन 2 लीटर बचा हुआ है एसिड। वाटर कितना बचा हुआ है, पहले 12 लीटर था और 3 लीटर और ऐड कर दिया गया, तो 15 लीटर अब बचा हुआ है ना, तो ये हो गया। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो 5 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, और दैट मीन्स 5:6 हमारा रेशियो होगा, रिजल्टिंग रेशियो एसिड एंड वाटर का, तो सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना क्या किया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है,
32 लीटर दिया हुआ था, इस रेशियो में एसिड एंड वाटर था 32 लीटर में इतना था। तो हम निकाल लेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, तो क्यों इनका सम 8 होगा, वही 32 के बराबर होगा, तो इस टू वन की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से 20 लीटर एसिड होगा और 12 लीटर वाटर होगा जब 32 लीटर हमारा सॉल्यूशन होगा और इस रेशियो में एसिड एंड वाटर होगा। ठीक, ये तो हमारा इतना पार्ट हो गया यहाँ तक का। अब क्या बोल रहा है कि 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट, तो मतलब 12 लीटर। तो जब 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला गया रहेगा तो कितना एसिड कितना वाटर निकाला रहेगा, हम ये निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो में एसिड था तो इनका सम कितना हो जाएगा, एसिड एंड वाटर था इनका सम कितना हो 8, तो अपॉन 8 और एसिड निकालना है तो अब ऊपर 5 कर देंगे जो एसिड के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो ये इंटू 12 कर देंगे क्योंकि हमें 12 लीटर निकालने पे देखना है कितना एसिड निकाला गया। तो ये कर देंगे, यहाँ से हमें वैल्यू मिली 15/2, तो इतना लीटर हमें एसिड निकाला गया, इसी तरह इतना लीटर वाटर निकाला गया। बोला गया है कि इतना लीटर ऐड कर दिया गया है वाटर, तो इतना लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया। तो अब देखिए वाटर में नेट चेंज कितना हुआ, मतलब इतना निकालना और इतना जोड़ने पे टोटल कितना चेंज हुआ, तो 3 लीटर ऐड किया गया, मतलब 3 लीटर बढ़ा है वाटर, और एसिड में तो इतना ही है, इतना घटाया गया। तो अब बचा हुआ एसिड कितना है, फाइनली कितना एसिड बचा है, कितना वाटर बचा है, उसी का मिक्स रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे। तो इतना एसिड बचा है, इतना वाटर बचा है, अब इनका हम रेशियो निकाल लेंगे तो 5:6 आ गया, समझ में ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि अ मिल्क मैन यूज 3 कंटेनर फॉर सेलिंग मिल्क, दियर कैपेसिटी इतना इतना, इफ ही फिल्स इतना रिस्पेक्टिवली ऑफ द कंटेनर विथ अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द टोटल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू द वाटर कैरिड बाई हिम। तो मतलब हमारे पास 3 कंटेनर है, एक में 40 लीटर है, दूसरे की कैपेसिटी 30 लीटर है, ये कैपेसिटी है, और 20 लीटर हमारा तीसरे की कैपेसिटी है, लेकिन उसने भरा कितना है 87.5% 80% 90%। तो इसका 87.5% कितना हो जाएगा, 87 × 5/100 × 40, ये होगा ना 87%। अब इसका 80% कितना हो जाएगा, 8/10 × 30, यही होगा ना, मैंने क्या किया 80/100 होगा, तो 10 काट दिया। इसी तरह ये तो आप कैलकुलेशन रहेगा ना, ये सब आप करते चलेंगे बार बार, ये 90%, ये 90/100 × 20 हो जाएगा। तब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कट गया 10 से, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। अब किससे कटेगा, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 5 × 5 = 3 मतलब 7, और ये 7 हो जाएगा, अब 2 बचेगा तो कितना 25, 5 ये हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, अब भी कट जाएगा 5 से, तो 5 से कटेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 25 = 35 और 5 से 4 और 4 से ये, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 35 लीटर भरा हुआ है, 40 लीटर में 35 लीटर हमारा फर्स्ट कंटेनर भरा हुआ है। तो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट गया, दैट मीन्स 24 लीटर, ये तो बहुत आसान है, बस यही वाला दिक्कत कटा था, 24 लीटर सेकेंड कंटेनर, और ये कट जाएगा दोनों 0, दैट मीन्स 18 लीटर हमारा थर्ड कंटेनर भरा हुआ है। कैपेसिटी से हमें मतलब नहीं है, कितना भरा हुआ है उसमें देखेंगे ना कि कितना रेशियो में है, तो इतना भरा हुआ है। अब इसमें जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, अब ये देखिए फ्रेंड, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले किया हुआ है, अब उस फॉर्मेट में बन गया, इसमें रेशियो 3:2 के फॉर्मेट में, इसमें 5:1 के रेशियो में है, और इसमें मिल्क हमारा, मिल्क और वाटर इस रेशियो में है। अब पूछ रहा है कि कितना क्वांटिटी लेके वो चल रहा है, किस रेशियो में क्वांटिटी, तो यहाँ इसका इसमें 35 लीटर में मिल्क कितना होगा जब हमारा रेशियो इसमें है, तो निकाल लेंगे, तो कितना होगा, ये होगा हमारा 3/5 × 35, कुछ नहीं, इनका सम करो रेशियो को, उससे इसको डिवाइड करो और इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यही हुआ ना। तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, यहाँ इसको मैं इरेज करो, अब इसको हम डायरेक्ट, इसको 5 से, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना देगा 7, और 7 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो ये तो हमारा मिल्क होगा। इसी समय हम वाटर भी कर लेंगे, नहीं तो बाद में हमें फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इसी समय वाटर में कर, तो वाटर के लिए बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स इससे 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 × 2 = 14, तो ये हो गया हमारा 14। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे करिए ना, बेसिक तरीका, इसके में एसिड का मतलब क्या होगा, 3/5 × 35, ये एसिड होगा, कितना है मिल्क, सॉरी फ्रेंड, यहाँ मिल्क है ना, मिल्क का रेशियो है, तो मिल्क होगा, और वाटर के लिए क्या करेंगे 2/5 × 35, यही होगा वाटर का, वाटर कितना है 35 लीटर में, तो यही चीज़ हमने डायरेक्ट कर दी है, ठीक है ना।
तो आप डायरेक्ट करेंगे ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं, नहीं तो कंपटीशन में हमारा टाइम कहाँ बचेगा, ये सब हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ करेंगे इसका सम 6 इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 × 5 20 लीटर हमारा वाटर मिल्क होगा और 4 लीटर हमारा वाटर होगा। अब इसी तरह इसको करेंगे तो इसका सम कितना होता है 9 होता है, 9 से 18 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 लिख लीजिए। अगर आपको नहीं हो पा रहा तो लिख लीजिए, अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 × 2 14 इतना मिल्क होगा और 4 वाटर होगा। आप इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 41 4 45 10 55 55 अपॉन ये 4 × 8 = 22, तो ये हो गया। आप 11 काटेंगे तो 5:2 हमारा आंसर हो गया, बस आ गया ना आंसर। तो यही हमारा तरीका। ये फ्रेंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये सब हमें करना पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी तो आप और जल्दी कर लेंगे, और थोड़ी वीक रहेगी तो टाइम और लगेगा, ठीक। लेकिन ये तो लेंदी क्वेश्चन है, इसके लिए हम कोई स्पेशल ट्रिक नहीं ले सकते। अब हर क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक लेंगे तो हमें ट्रिक याद भी नहीं, हम और कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए जो क्वेश्चन पार्टिकुलर है उन्हीं के लिए ट्रिक लेके चलेंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द इतना इफ़ यू हैव 2 लीटर ऑफ वाटर। तो अरे फ्रेंड ये तो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, ये तो हम बहुत बार कर लिए, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। 3:4 के लीटर में रेशियो था, अब 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए मिल्क का सेम होना चाहिए, सेम नहीं है, तो हम क्या कर देंगे इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ ये हो जाएगा 8:6। अब ये हमारा नया रेशियो बन गया, इसको हमें भूल जाना है, ठीक। तो 8:6 और ये देश अब हमारा सेम है, तो वाटर में डिफरेंस कितना आ रहा है 2:1 का, और बोला कितना क्या है भाई 2:1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 लीटर वाटर ऐड किया गया है, तो 2 लीटर वाटर ऐड किया गया तो 2:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लीटर। पूछ क्या रहा है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सर, फाइनल मिक्सर में कितना होगा 2:15 मिल्क एंड वाटर दोनों को पूछ रहा है ना, क्वान्टिटी मतलब टोटल कितना है, तो 8 लीटर मिल्क होगा, 8:8 मिल्क है और 2:7 वाटर है, तीन दोनों करके 2:15 मिक्सचर है, और 2:1 की वैल्यू 2 है, तो 2:15 की वैल्यू 30, तो दैट मीन्स 30 लीटर हमारा टोटल मिक्सचर है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये फ्रेंड तो टाइप फर्स्ट में हमारे टोटल 43 क्वेश्चन थे और हमने पूरे 43 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम टाइप सेकेंड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।